subscribe with notifications on. मीना, ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ। रीता के यहाँ? अच्छा माँ, चलो भाई मिठू। देखो बनिया आ रहा है, चलो छिप जाते हैं। सब ठीक हो रहा है, वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। छोटी है, एकदम ठीक रहेगी, कहना मानेगी, घर का सारा काम करेगी, नौकर की तनख्वाह बचेगी। आज मेरा बेटा बाबू शहर से आएगा, बढ़िया जोड़ी रहेगी, इतनी छोटी सी दुल्हन। कौन है ये छोटी सी दुल्हन? तुम आ गई, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं, तो तुम हो वो छोटी सी दुल्हन। छोटी सी दुल्हन? बनिया बहुत खराब है, उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है। रीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए? नौकरानी चाहिए? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मीना, मुझे डर लगता है, पिछले महीने एक लड़की बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। वो मेरी उम्र की थी, बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र माँ बनने के लिए कम थी। मैं क्या करूँ? तुम अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ, पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें। अम्मा, रीता के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर बेटा, रीता तो अभी बहुत छोटी है। मेरी अपनी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी, मैं 15 की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ। और कितना दुख उठाया मैंने, बच्चा भी नहीं रहा, किस्मत से मैं तो बच गई। मैं नहीं चाहती कि रीता के साथ में भी ऐसा हो। अम्मा ठीक कहती हैं, लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। देखो उस लड़की को, वो 15 साल की ब्याही गई, बेचारी नन्ही सी जान का क्या हाल हो गया है। मगर इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा, लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसे छोड़ दूं ये मौका। पर चाचा जी, रीता भी तो पढ़कर डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है। अगर रीता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भैया। मैं सोचता था इस रिश्ते से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं। हमें बेहद खुशी है बेटा, लेकिन रीता के बालिग होने तक रुकना ही ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा। राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ, मैं रीता के यहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो रीता? सोच रही हूँ क्या करूँ, किस तरह अम्मा और बाबा को मनाऊं कि मुझे पढ़ने लिखने दें। दादी भी यही कहती है, पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिट्ठू, देखो ये सब। दूर हट, मिठू, आंखें खोलो मिठू। अच्छा हुआ खोलो मिठू। ये बनिया बड़ा बेरहम है, इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्या हो रहा है?
हमारे तोते को चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा ना? देखता हूँ। फिक्र मत करो, जिंदा है, इसे सिर्फ चोट लगी है। शुक्र है भगवान का। ओ देखो, जिंदा है। बच्चू ठीक हो तुम? आपने तो मिठू को ठीक कर दिया। पर ये हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है, वो मिठू के पीछे पड़ा है। अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है, कौन था वो? हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूछता कि वह कौन है। अरे रे रे रे, आ गया मेरा बेटा। तुम्हें देखकर बूढ़े बाप के कलेजे में ठंडक पड़ गई। पिताजी, मेरा बेटा हम सबकी शान है, जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दी है, अरे यही की एक अच्छी सी लड़की के साथ। ठीक है पिताजी, पर वो है कौन, क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है, बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। बच्ची? क्या उम्र होगी उसकी? इसमें क्या फर्क पड़ता है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र कोई 15 साल की होगी। सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी से क्या मतलब, मेरी बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है, पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। पर क्यों? हमें डॉक्टरी में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है। मैं मजबूर हूँ, जुबान दे चुका हूँ, शादी अगले हफ्ते। मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर 3 साल बाद, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं ना। मेरी नाक कटवाएगा। वह आदमी बाबू है, बनिए का बेटा। क्यों, क्या सोच रही हो रीता? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, कम से कम अभी तो नहीं, पहले पढ़ूंगी। डरो नहीं, बाबू भी अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, उसने खुद कहा है, कहता है लड़की 18 साल की तो होनी ही चाहिए। बनिया तो अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। रीता आ रही है। चुप मुआ। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है रीता? रीता, शादी। हाँ हाँ कहो बिटिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अजीब मुसीबत है, बनिए को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते हैं। क्या हुआ मिठू, तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं? पिताजी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कानून नहीं तोड़ सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैर कानूनी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, जल्दी आइए, मेरा तोता मर रहा है। अच्छा तो मैं जाऊं पिताजी? तो ये सब पढ़ाई तुमने तोतों का इलाज करने के लिए की है? जाओ। मैं बहुत दिन से गांव नहीं आया, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। वो लड़की कौन थी? वो रीता थी। रीता अभी शादी नहीं करना चाहती, वो 10वीं तक पढ़ना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है, घबराओ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू बेटा, सच बात तो ये है कि हमारी रीता पढ़ाई पूरी करना चाहती है। रीता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी? अरे उधर रीता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बेटा, हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता, मतलब वो क्या कहते हैं,
सच बात तो ये है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते हैं। मुझे बाबू की बात मान लेनी चाहिए, कहीं मैं उसे खो न बैठूं। अरे बाबू बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए, घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो। पिताजी मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं। मैं एक भली औरत को जानती हूँ, बेचारी गरीब विधवा है, वो आपका काम कर देगी, और फिर हम सब तो हैं ही। दुकान के हिसाब में मैं मदद कर दूंगी। मैं भी। अच्छा, शायद तुम ठीक कहते हो। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर देंगे, सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। शादी 3 साल बाद? किसकी? तुम्हारी मिठू।